आज मैं आपको सिखाऊंगा कि उनो कार्ड्स गेम कैसे खेला जाता है। तो दोस्तों, उनो कार्ड्स 112 कार्ड्स होते हैं, जिसमें कि बेसिकली फोर कलर्स होते हैं, रेड, येलो, ग्रीन एंड रेड। और हर कलर में 25 कार्ड्स होते हैं, 0 से 9 डिजिट्स के कार्ड, प्लस 2 कार्ड्स, स्किप्स कार्ड्स एंड रिवर्स कार्ड्स। ये तीनों एक्शन कार्ड होते हैं, इनके बारे में मैं आपको बाद में डिटेल से मैं बताऊंगा। और उसके साथ साथ आपको मिलते हैं 4 कस्टमाइजेबल कार्ड्स एंड 4 वाइल्ड कार्ड्स एंड 4 प्लस वाइल्ड कार्ड्स। तो चलो एक गेम खेलते हैं, जिससे कि आपको गेम्स के रूल्स पता लग जाएंगे कि गेम कैसे खेला जाता है। देखते हैं, हमने कार्ड शफल कर दिए हैं और हर एक एक प्लेयर को हमने 7-7 कार्ड्स बांट दिए हैं। तो उनो गेम में 2 या 2 से ज़्यादा कितने भी प्लेयर्स खेल सकते हैं। तो यहाँ मैं आपको डेमोंस्ट्रेशन के लिए दिखा रहा हूँ कि 3 प्लेयर खेल रहे हैं। तो जो कार्ड्स शफल करता है और जो कार्ड्स बांटता है, उसे बोलते हैं डीलर। तो डीलर ही सबसे पहले गेम स्टार्ट करता है। तो फॉर एग्जांपल, मैंने एक कार्ड डेक से उठा के यहाँ पे रखा, तो कार्ड आया येलो। तो मुझे या तो सेम येलो कलर का कोई भी कार्ड फेंकना पड़ेगा, या डिजिट सेम होनी चाहिए 1। तो मेरे पास 1 कलर का कोई भी कार्ड नहीं है, तो मैं सेम येलो कलर का कार्ड्स कोई भी फेंक सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने 9 फेंक दिया। अब दूसरे प्लेयर को जो टॉप मोस्ट कलर होता है येलो, अभी यहाँ पे टॉप मोस्ट कलर येलो, तो उसे भी येलो कलर का कार्ड फेंकना पड़ेगा, ये 9 डिजिट का कोई भी कार्ड। तो फॉर एग्जांपल, सेकंड प्लेयर ने फेंका 8। तो अब जो थर्ड प्लेयर है, उसे भी येलो कलर का कार्ड फेंकना पड़ेगा या फिर 8। तो जैसे कि इन्होंने फेंका 7 का येलो कार्ड, तो मुझे भी तो फॉर एग्जांपल देखिए, मेरे पास यहाँ पे 7 है ग्रीन कलर का, तो मैं ये भी फेंक सकता हूँ, और येलो कार्ड है 3 का, तो मैं ये भी फेंक सकता हूँ। फॉर एग्जांपल, मैं फेंकता हूँ येलो ग्रीन कार्ड 7 का। तो अब इस प्लेयर को ग्रीन कार्ड फेंकना पड़ेगा या फिर 7 डिजिट का कोई भी कार्ड। फॉर एग्जांपल, ये फेंकता है 5 का ग्रीन। तो अब इन्होंने 9 फेंका है ग्रीन का, ना तो मेरे पास कोई ग्रीन कार्ड है, ना ही मेरे पास 9 कलर का कोई कार्ड है। तो मैं वाइल्ड कार्ड से, वाइल्ड कार्ड होता है कि हम ये फेंक के कोई भी कलर चूज़ कर सकते हैं जो आपके पास है। तो मैं वाइल्ड कार्ड फेंक के बोल सकता हूँ कलर चेंजेस टू ब्लू, मेरे पास ब्लू कार्ड है, तो मैं ब्लू फेंक सकता हूँ। अब मैंने वाइल्ड कार्ड से कलर चेंजेस टू ब्लू बोल दिया है, तो अब से ब्लू कार्ड ही चलेगा, द टॉप मोस्ट कलर ब्लू। तो अब इन्हें भी ब्लू कलर का कार्ड फेंकना पड़ेगा या फिर 2। तो देखिए, इनके पास 2 कलर के ब्लू कार्ड्स हैं, एक 6 है और एक प्लस 2 है। जो प्लस 2 एक्शन कार्ड है, वो सेम कलर पर चलता है, ब्लू कलर पर ब्लू ही एक्शन कार्ड चलेगा, येलो कलर पर येलो ही एक्शन कार्ड चलेगा। तो ये प्लस 2 कार्ड्स फेंक सकते हैं। तो प्लस 2 कार्ड फेंकने का मतलब है कि अब नेक्स्ट प्लेयर को 2 कार्ड्स डेक में से उठाने पड़ेंगे। अगर इनके पास भी प्लस 2 कार्ड्स है, तो ये भी फेंक सकते हैं। प्लस 2 पे प्लस 2 और स्किप्स पे स्किप्स और रिवर्स पे रिवर्स कार्ड चल सकते हैं। तो जैसे कि इन्होंने प्लस 2 फेंक दिया, अब मेरे पास भी प्लस 2 है। अगर मैं ये फेंकूँ, तो प्लस टू, इन्हें 6 कार्ड उठाने पड़ेंगे। अगर मेरे पास प्लस 2 नहीं होता, तो मेरे को 4 कार्ड्स उठाने पड़ते, लेकिन मेरे पास भी प्लस 2 है, मैंने फेंके, तो अब इन्हें 6 कार्ड उठाने पड़ेंगे। 1, 2, 3, 4, 5, 6। तो जो प्लस 2 जो कार्ड्स उठाता है, उसकी बारी स्किप हो जाती है, नेक्स्ट पर्सन की बारी आती है। अब टॉप मोस्ट कार्ड रेड है, तो आप रेड कलर का कोई भी कार्ड चल सकते हैं। कलर चेंजेस टू ब्लू। अब देखिए, इन्होंने फेंका प्लस 4। अब प्लस 4 तभी हम चल सकते हैं जब आपके पास टॉप मोस्ट कलर का कार्ड ना हो। प्लस 4, ये प्लस 4 तभी यूज कर सकते हैं अगर आपके पास कोई भी रेड कलर का कार्ड ना हो।
और अगर कोई जान मुझ के प्लस फोर यूज़ करता है दूसरे प्लेयर को हराने के लिए, तो आप उसे चैलेंज कर सकते हैं कि वो अपने कार्ड शो करे। अगर उसके पास कोई भी रेड कलर का कार्ड निकलता है तो ये प्लस फोर कार्ड्स उसी प्लेयर को उठाने पड़ेंगे। और अगर उसके पास सच्चे में कोई भी रेड कलर का कार्ड नहीं निकलता और आपने उसे चैलेंज करा, तो फिर आपको प्लस फोर और प्लस टू पेनल्टी, आपको सिक्स कार्ड उठाने पड़ेंगे। तो जैसे कि थर्ड प्लेयर ने अभी प्लस फोर फेंका और बोला कलर चेंजेस टू ब्लू, तो अभी मेरे को फोर कार्ड्स उठाने पड़ेंगे। 1, 2, 3, 4। अब जो कार्ड्स उठाता है उसकी बारी स्किप हो जाती है, अब नेक्स्ट पर्सन की बारी आएगी। तो जैसे कि इन्होंने बोला कलर चेंजेस टू ब्लू, तो इन्हें ब्लू कलर का कार्ड फेंकना पड़ेगा कोई भी। फॉर एग्जाम्पल इन्होंने फेंका 8, ये होता है स्किप कार्ड्स। और स्किप कार्ड्स भी जो है टॉप मोस्ट कलर जो चल रहा होता है उसी पे चलते हैं। जैसे कि टॉप मोस्ट कलर ब्लू था, तो ब्लू कलर का ही स्किप कार्ड चलेगा। तो इन्होंने स्किप्स फेंका, तो स्किप मतलब मेरी बारी स्किप होगी, अब नेक्स्ट पर्सन की बारी आएगी। अब इन्होंने बोल दिया ऊनो। ऊनो मतलब जब किसी के पास लास्ट एक कार्ड बचता है तो उसे ऊनो बोलना पड़ता है, ये गेम्स के रूल्स है। अब देखो जैसे कि टॉप मोस्ट कलर चल रहा है अभी भी ब्लू, और मेरे पास ब्लू कलर का सिक्स भी है और ग्रीन कलर का सिक्स है, तो सेम डिजिट के मैं दो कार्ड्स फेंक सकता हूँ, और एक और सिक्स है रेड कलर का, तो सेम डिजिट के मैं कितने कार्ड फेंक सकता हूँ, सिक्स सिक्स सिक्स, तो सिक्स कार्ड मैंने फेंक दिए। अब इनके पास भी सेम कलर के दो कार्ड्स हैं 1-1, तो ये भी दोनों कार्ड्स एक साथ फेंक सकते हैं। देखिए जैसे कि इनके पास येलो कलर्स का कोई कार्ड नहीं है और ना ही 3 का कार्ड है, तो डेक में से कार्ड उठा के इसमें डाल सकते हैं। अगर वो सेम कलर का हो येलो तो डायरेक्टली डाल सकते हैं, नहीं तो उन्हें अपने पास रखना पड़ेगा कार्ड। अब देखिए टॉप मोस्ट कलर येलो है, तो ये प्लस टू येलो का यूज कर सकते हैं। अब इन्हें दो कार्ड उठाने पड़ेंगे और इनकी टर्न स्किप हो जाएगी। अब मेरी बारी, टॉप मोस्ट कलर येलो है तो मुझे भी येलो कलर का कार्ड फेंकना पड़ेगा, लेकिन इस टाइम मेरे पास येलो कलर का कोई भी कार्ड नहीं है, तो मुझे डेक में से एक कार्ड उठाना पड़ेगा। अगर ये सेम कलर का येलो निकलता है तो मैं डायरेक्टली फेंक सकता हूँ, वरना वो अपने पास रखना पड़ेगा। टॉप मोस्ट कलर येलो है तो ये येलो कलर का स्किप कार्ड यूज़ कर सकते हैं। येलो कलर का स्किप का यूज़ किया तो इनकी टर्न कैंसिल होगी और मेरी टर्न आ गई। मेरे पास दोबारा से येलो कलर का कार्ड नहीं है, तो मेरे को डेक में से एक कार्ड उठाना पड़ेगा येलो कलर का। ये येलो कलर का, तो मैं फेंक सकता हूँ डायरेक्टली। देखिए इनके पास येलो कलर का कोई कार्ड नहीं है, तो इनके पास वाइल्ड कार्ड है, तो ये वाइल्ड कार्ड फेंक के बोल सकते हैं कलर चेंजेस टू रेड और ग्रीन। फॉर एग्जांपल कलर चेंजेस टू ग्रीन, उनो उनो। और देखिए इनके पास ग्रीन कलर का कोई कार्ड नहीं है और ना ही सेम डिजिट का कार्ड है, तो इन्हें भी डेक में से एक कार्ड उठाना पड़ेगा। ये सेम कलर का नहीं है, तो ये यहाँ पे फेंक नहीं सकते, इसलिए इन्होंने को अपने पास कार्ड रखना पड़ेगा।
इनके पास वाइल्ड कलर कार्ड्स है और एक रेड कलर का कार्ड है, तो ये कलर वाइल्ड कार्ड फेंक के बोल सकते हैं कलर चेंजेस टू रेड और रेड कलर का कार्ड फेंक सकते हैं और ये जीत गए ये वाले प्लेयर। तो इस प्लेयर में इस गेम में वो प्लेयर जीतता है जिसके कार्ड सबसे जल्दी ख़त्म हो जाते हैं। तो वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, और अगर आपके पास उनो कार्ड्स नहीं है तो आप गूगल प्ले से भी एक गेम इंस्टॉल करके खेल सकते हैं, अननोन फ्रेंड्स।